एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनेरा सर ऑफिशियल व्यूअर्स, कल ईद है पाकिस्तान में, लेकिन आज सऊदी अरेबिया में, यूएई में और खलीजी ममालिक में ईद मना ली गई। तो सबसे पहले तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर ये वीलॉग देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। एंड बाय द टाइम ये वीलॉग अपलोड होगा तब पाकिस्तान में भी ईद हो चुकी होगी, तो पाकिस्तान में भी सबको ईद मुबारक। आज के दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान से बाहर जब ईस्टर आता है या क्रिसमस आता है तो कोई इतनी ख़ास रिपोर्टिंग टीवी पे या कहीं नज़र नहीं आती आम तौर पे कि उस मुल्क की लीडरशिप ईद कहाँ मना रही है, अपनी ईद ईस्टर क्रिसमस किस तरह मना रही है, क्या कर रही है। इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर, जस्ट ऑर्डर ऑफ द डे। हाँ, फेस्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत खूबसूरती से उन लोगों के मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेटेड होते हैं, देयर इज़ सो मच एक्टिविटी टू डू, और क्योंकि पूरा साल वो लोग बहुत काम करते हैं तो ये वाली वोकेशंस उनके लिए बड़ी स्पेशल होती हैं, तो इट्स अ फैमिली ओकेजन। पाकिस्तान में एक तबका है जो बहुत काम करता है, सुबह शाम काम करता है, मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, ईद पे भी सोच रहा होता है कि ईद कैसे मनाएं, बच्चों को, घर वालों को चीज़ें लेके देना, फेस्टिविटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि लोगों ने घरों को जाना होता है, बिकॉज़ हम लोगों ने वैसी इकोनॉमी तो बनाई नहीं है जिसमें हर जगह पर ज़रिया माश के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल हो, इंडस्ट्री वेल स्प्रेड हो, एग्रीकल्चर बहुत ब्लूम कर रहा हो एंड ऑल दैट। तो इसलिए सारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में, अर्बन जगहों पे आके लोग आबाद हुए होते हैं, फिर ईद वगैरह पे अपने घर जाते हैं। कई दफ़ा वो आने जाने की कॉस्ट भी बचाते हैं कि ठीक है, नहीं जाते अपने गांव या अपने कस्बे क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तबका ऐसा है जो इस मुल्क में ही मौजूद नहीं होता, वो या दुबई में होता है या लंदन में होता है, पेरिस में होता है, आपको स्विट्ज़रलैंड में नज़र आएगा सर्जरीज़ कराने के लिए, मुख्तलिफ मुलाकातों के लिए, सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए मुल्क के फ्यूचर पे। और इस ईद पे भी वैसे ही मनाजिर देखने को मिले जब हमारी सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई हुई है दुबई में। यहाँ से जाते हुए स्टेट प्रोटोकॉल लेते हैं, वहाँ पे जाके कॉमन सिटीज़न की तरह रहते हैं और खुश रहते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर साथ होते हैं लेकिन एक आम आदमी की तरह रहते हैं। ये अलग बात है कि महल्लात हर जगह मौजूद हैं तो रहाइश और हर चीज़ बहुत लाविश होती है। हमारा मीडिया उसको कवर भी करता है, ख़ास तौर पे ख़बर लगाई जाती है कि फ़लाँ लीडर फ़लाँ जगह मौजूद हैं, उन्होंने आपस में मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे तबादला ख्याल किया, मुल्क में आने वाले सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू की। ये वो अल्फाज हैं जो रट गए हैं, अब तो इनको बोलते हुए मेरा ख्याल है एक मिनट के लिए भी ज़ुबान नहीं अटकती। इसी तरह की आज जो ख़बर देखने को मिली, क्योंकि हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप दुबई में मौजूद है हमारी किस्मतों का फ़ैसला करने के लिए, जो कि असल में बैलेट बॉक्स को करना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ख़बर कुछ ज़राए ने ये दी है कि ग्रैंड चार्टर होने जा रहा है एक दो बड़ी पार्टीज़ के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिसके तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी में मिसाक मईशत के अक्सर नुकात पर इत्तफाक कहा जा रहा है कि हो गया है। दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात, ग्रैंड चार्टर के तहत इंतखाबात के बाद भी इत्तहादी हुकूमत होगी। इंतखाबात के इनकाद को ईसीपी और निगरान सेटअप पर छोड़ दिया गया, इंतखाबी इत्तहाद पर फैसला अभी तक नहीं हो सका और निगरान सेटअप पर इत्तहादियों से मुशावरत जारी है। ये जो मिसाक मईशत है ये 10 साल के लिए होगा। इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में मेरे ख्याल है 14th of May 2006 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ आप इक्वेट कर लें। लंदन में हुआ था 14th May 2006 नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान, और उसके बाद दोनों पार्टीज़ ने एक एक बारी ली और वो जो दो दो बारियां थीं उसके दौरान भी इतना कुछ हो गया, मेमोगेट हो गया, पैनमा हो गया, एज़ यूजुअल पाकिस्तान इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस, और चीज़ें डिरेल हो गई, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई और 2018 के इलेक्शंस को कभी भी लेजिटिमेट नहीं माना गया, फ्री एंड फेयर नहीं माना गया, और उसके बाद आज ये नौबत आई है कि पीटीआई का क्रैकडाउन जारी है, पीटीआई के मुस्तकबिल का नहीं पता, और एक दफ़ा फिर
पीपल्स पार्टी और नून लीग दुबई में इकट्ठे हैं। 2023 है, कुछ नहीं बदला 2006 से लेके 2023 तक। तब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी का कत्लेआम हुआ, अभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम पे ऑलरेडी डेड इकोनॉमी के साथ पता नहीं क्या करने जा रहे हैं ये लोग। आई फेल टू अंडरस्टैंड। इस सारे मंजरनामे को आप दो मिनट के लिए इक्वेट करें विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। एक मिनट के लिए अगर ये सोचा जाए कि यूएस दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इतना बड़ा हुजम है ट्रेड का कि उनको क्या ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की, उनके प्रेसिडेंट को और उनकी आने वाली पार्टीज़ को नए नए मंशूर लेके आने की, जगह जगह जाके लोगों को बताने की कि वो आने वाले वक्त में अगर इलेक्ट होते हैं तो वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक्स में एंड ऑल दैट। और जो बाइडन जो कि तकरीबन 78 ईयर्स की एज में भी प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए यूएस में, उन्होंने बाइडनॉमिक्स यानी बाइडन एंड इकोनॉमिक्स को मिला के उन्होंने ये टर्म निकाली है बाइडनॉमिक्स, और उन्होंने इसको नाउन डिक्लेयर किया है और डिक्शनरी का हिस्सा बनाया है, और उन्होंने कहा है दिस इज़ बाइडनॉमिक्स फोक्स, ग्रोइंग द इकोनॉमी फ्रॉम द मिडल आउट एंड बॉटम्स अप। इन अदर वर्ड्स उन्होंने इकोनॉमी का नया मॉडल दिया है एक ऑलरेडी एक अमेजिंग इकोनॉमिक सेटअप के होते हुए। हर सेटअप में हिचेस होते हैं, हिकअप्स होते हैं और डेफिसिट्स होते हैं, और कोई भी आइडियल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमी और एक कामयाब इकोनॉमी अगर मौजूद हो तो फिर बाइडन को क्या ज़रूरत थी कि वो मुस्तकिल इकोनॉमी पे बात किए जा रहे हैं, पूरे मुल्क में रिसेशन है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस चल रही हैं कैसे निकलना है इससे, जापान का सेंट्रल बैंक इस वक्त सख्त तनकीद की नज़र हो रहा है क्योंकि उन्होंने भी फिगर फजिंग की है, कहा यह जा रहा है और इंटरवीन किया है इन द मार्केट। तो एक इंतहाई फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसी डिबेट जारी है कि जब उनको ऐसी डिबेट्स करते हुए हम देखते हैं और फिर अपनी डिबेट्स को देखते हैं जहाँ पे हम थर्ड वर्ल्ड हैं और जहाँ पे ऐसी डिबेट्स मेरे ख्याल है रोज़ाना क्या सुबह शाम होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही, बल्कि दुबई में बैठ के दो ख़ानदान पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम की किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं। तो अकल इससे आगे क्या बात करें, इससे आगे क्या तज़िया करें और इससे आगे क्या एक्सपेक्ट करें, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट एनीथिंग। आज लिटरली आई हैड नथिंग टू टॉक अबाउट बिकॉज़ ये ख़बर देखने के बाद यही महसूस हुआ कि अगर 2006 से 2023 तक कुछ नहीं बदला तो फिर उम्मीद भी क्या रखी जाए। लेकिन फिर मेरे सामने ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ आई एंड आई थॉट इट्स वर्थ शेयरिंग इट विद यू कि हम जहाँ हैं, जितने नीचे गिरे हुए हैं, वो हम क्यों गिरे हुए हैं, और दुनिया अगर आगे जा रही है तो वो क्यों जा रही है। ये उनमें से सिर्फ एक ख़बर थी कि बाइडन ने अपना इकोनॉमिक मॉडल जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया है, और ही इज़ फर्म कि जो इस वक्त रिसेशन में है यूएस की अपनी इकोनॉमी, जॉब्स नहीं हैं और बहुत इश्यूज हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं कि वो उसको एड्रेस करेंगे अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं। दूसरी जानब हमने बहुत पावरफुल विज़िट देखा नरेंद्र मोदी का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का टू यूएस, और जो उनके आपस में मुज़ाकरात हुए, जो उनके जॉइंट डिक्लेरेशन आया वो हम जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ प्लेस किया, नो नीड टू रिपीट इट बिकॉज इट हैज़ नॉट चेंज्ड सिंस 1990s। बहरहाल टाटा, रिलायंस, अमेज़ॉन, एप्पल, इन सब जैसे जायंट्स ने एक टेबल पे बैठ के कोलैबोरेटिव वे में आगे बढ़ने के लिए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जॉइंट एफर्ट्स करने के लिए मीटिंग की, और इन सबको उस टेबल पे इकट्ठा किसने किया, जो बाइडन ने। सो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना विद इंडिया, उसके हमने प्रैक्टिकल इमेजेस भी देखे, ये सिर्फ किताबों में नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना इट्स जस्ट अ जियोपॉलिटिकल स्लोगन। ऐसा नहीं है, जब आप हर लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, आईटी के लेवल पे, डिफेंस के लेवल पे कम्प्लीटली इंगेज कर रहे हैं विद अ कंट्री, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए, तो आपको भी अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे लाके दुनिया को फ्लोट करना होगा अपना सीवी कि व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स आती हैं।
बट हमने तो इन द फर्स्ट प्लेस अभी तक अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं किया, तो वी हैव नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड. इसीलिए हमारे जो ओवरसीज लोग हैं वो इतने डिस्टर्ब्ड हैं. इतने कामयाब होने के बावजूद आप किसी फील्ड में चले जाएं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, स्किल्ड लेबर, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, फिर भी जो हालात हैं उसके बावजूद अपने घरों को पैसे भी भेजते हैं, यहाँ अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अटैच्ड भी हैं पाकिस्तान से. बट पाकिस्तान जवाब में उनके साथ जो सलूक करता है, अब उस पर क्या बात की जाए. बहरहाल, एक हमने बात की बाइडेनॉमिक्स की, दूसरा हमने बात की जो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस लेवल पे जा रही है यूएस की, और इंडिया ने कितनी अमेजिंगली, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी का एक बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहा है हिस्टोरिकली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स, व्हेन इट कम्स टू द माइनॉरिटीज़, बट एवरीथिंग असाइड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, ये दुनिया का असूल है. तो हम जो अभी तक बरादर मुल्क जैसी टर्म्स में फंसे हुए हैं, पता नहीं हमें कब समझ आएगी कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैक्ट हुआ बिटवीन यूएस एंड इंडिया, द एरोस्पेस यूनिट ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक अनाउंस दैट इट हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू जॉइंटली मेक इंजन्स इन इंडिया टू पावर फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स. ये जो एग्रीमेंट है इसको ट्रेल ब्लेजिंग और हिस्टोरिक कहा जा रहा है, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड बिटवीन मोदीज विजिट टू यूएस. बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट होती है उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हुए हैं बिटवीन यूएस एंड इंडिया, उसमें ड्रोन्स भी हैं, उसमें जैमर सिस्टम भी है, रेडार के जो बहुत ही एडवांस लेवल पे हैं और अमेरिकन मेक हैं, बीच में फ्रेंच मेक भी हैं. इसके अलावा जो इंजन्स हैं उसके बारे में रॉयटर्स ये लिख रहा है कि जो एरोस्पेस यूनिट है जनरल इलेक्ट्रिक का, उसने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ कि जो इंडिया की स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैं वो मिलके ये इंजन्स बनाएंगी जो कि पावर फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होंगे. इससे एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी, इससे उनकी लेबर कितना लर्न करेगी, उनके इंजीनियर्स कौन सा लेवल अचीव करेंगे, जॉइंट एफर्ट्स के साथ वो आगे जाके एरोडायनामिक्स में और एरोनॉटिक्स में क्या क्या क्रिएट करेंगे जॉइंटली. ये एक लेवल पे तो नहीं होता, फिर ये आगे चलता है मसला, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आप स्किल्ड जॉइंट वेंचर कर लेते हैं वो वहाँ फ्रीज नहीं होता, वो फिर आगे चलता है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसी का नाम है. तो अगर सिर्फ इस एक पैक्ट को ही देख लिया जाए और इस एक ट्रेड एग्रीमेंट को ही देख लिया जाए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ना सिर्फ ये कि बिजनेस मिल रहा है, बल्कि वो एक और स्किल लर्न करने जा रहे हैं, एक ऐसी स्किल जो कि डिफेंस सेक्टर में बड़ी रेयर है. और हमें, मेरा ख्याल है, बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इससे जो उनकी सिक्योरिटी रिलेटेड एबिलिटीज़ हैं वो कितने परसेंट इम्प्रूव हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी. सो ये तो एक एस्पेक्ट है, बट दिस शोज़ के इवन मोदी साहब, जिनको हम जितना मर्जी माइनॉरिटीज़ को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, कश्मीर को लेके जैसा भी समझें, वो अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसेयर हैं, एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि इंडिया को जहाँ तक दुनिया में एक ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनाई जा सके कि वो कम अज़ कम एशियन टाइगर जो हमेशा से बनना चाहते हैं वो असल में बन के दिखाएँ, तो दे आर ऑन द राइट ट्रैक. इसके अलावा 2020 में हमने ये बात की थी कि 2030 में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा. रीजनल ब्लॉक्स बनने शुरू हुए, क्वाड उसकी मिसाल है, ब्रिक्स पहले से मौजूद था, थोड़ा सा इनएक्टिव था, फिर बहुत एक्टिव हो गया. उसके बाद हमने देखा रशिया एंड बेलारूस बहुत करीब आए ये कंट्रीज़, और फिर सीरिया जॉइंड इन, और टर्की जॉइंड इन, चाइना जॉइंड इन, फिर ईरान आया बीच में, फिर GCC कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया ने लीड ली और अरामको और पेट्रो डॉलर्स को लेके बहुत एक स्टर्न स्टैंड लिया इन फ्रंट ऑफ जो बाइडन एंड US. तो इस सारे सिनेरियो में 2023 हो गया है, और आगे जाके मैं आपसे अगर एक ख़बर और शेयर कर लूँ कि सऊदी अरेबिया और इसराइल ने भी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लाने और एक दूसरे को आइंदा साल मार्च तक तस्लीम करने का अंदिया दिया है. ये याद रखिए कि रिसेंटली डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे बहुत ज़्यादा एक तरह की
एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है जो बाइडेन को बिकॉज ऑफ मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरेबिया के, बिकॉज उन्होंने जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं, खलीजी रियासतें हैं, इन सब को लेके और जो कनेक्ट किया है विद ईरान उसको लेके बहुत सारी ऐसी बातें मानने से इनकार कर दिया जो बहुत अरसे से सऊदी अरेबिया मान रहा था US की तरफ से, जिसमें से एक पेट्रोडॉलर भी है, फिर यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो जो कहा जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान ने वो नहीं माना, तो उस वजह से एक बड़े एम्बैरेसिंग और एक बड़ी शेमफुल पोजीशन फेस की जो बाइडन ने, जिसको काउंटर करने के लिए वो मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक आइस ब्रेक की जाए बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, बिकॉज आगे इलेक्शंस में उन्होंने कुछ तो लेके जाना है लोगों के सामने। तो इतनी सारी एम्बैरेसमेंट्स के बाद कोई एक बड़ी कामयाबी जिसकी US बहुत कोशिश कर रहा है वो ये है, सऊदी अरब का अमेरिका से नेटो जैसे तहफ्फुज़ का तकाजा किया गया है। तो उसके जवाब में जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने कहा जिस तरह आप नेटो अलायंस बना के इतना एक स्ट्रॉन्ग दुनिया में डिफेंस और सिक्योरिटी वेंचर लेकर चल रहे हैं, तो फिर वैसी ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको सऊदी अरेबिया के साथ करनी पड़ेगी। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी एंड नाउ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कि वो अपने मुल्क को अब कहाँ लेके जाते हैं। ही हैज़ अ विजन और उस विजन के लिए उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं सऊदी अरेबिया के लिए, वो ऐसे चेंजेस हैं कि अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो उलमा बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा डिसाइसिव लाइन क्रिएट की है बिटवीन द रिलीजन एंड द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बूस्ट द ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नेटो के एक मुल्क पर हमला जिस तरह तमाम ममालिक पे हमला कंसिडर होता है, उसी तरह अगर आप ऐसा कोई हमारे साथ सिक्योरिटी अलायंस बनाते हैं जिसमें अरब कंट्रीज़ पे हमला भी आप पे हमला कंसिडर होगा तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। सऊदी अरेबिया और इसराइल ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लाने का ऐलान किया है और इस तरह दोनों ममालिक ने एक दूसरे को आइंदा साल मार्च तक तस्लीम करने का इंडिकेशन सिर्फ दिया है। अब आप इससे ये जहन में रखिए कि हमारे मुल्क में भी कई दफ़ा ये सवाल पैदा हुआ है कि हम शायद इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और उसके बदले में हमें शायद कुछ मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन की तरफ से, US की तरफ से, वो क्या है वो आज तक डिस्कस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही इस तरह की बात छेड़ी जाती है तो जिस तरह टैक्स लगाने पे ताजर बाहर निकल आते हैं, जिस तरह इस तरह की जो कोई भी बात हो जिसमें इसराइल को तस्लीम करने की बात हो तो सारा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है कि आप कैसे तस्लीम कर सकते हैं। तो अगर मोहम्मद बिन सलमान, जो कि हरमैन शरीफैन के इस वक्त अगर ये कहा जाए कि उसको ओन करते हैं, उनको अगर अपने मुल्क के लिए कुछ चीज़ें लेते हुए, कोई सहूलियात लेते हुए, कोई दुनिया में अपना नाम बनाते हुए, कोई सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड पैक्ट करते हुए, कोई उनको इसमें हिचकिचाहट नहीं है कि वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रख लें, तो क्या पाकिस्तान में ये सोचा जा सकता है? कभी भी नहीं सोचा जा सकता, बिकॉज हम बहुत इमोशनल लोग हैं, हमारे अंदर इतनी फॉल्ट लाइंस हैं कि आप एक काम करने को सोचें 10 लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इसलिए हम घूम घूम के हमेशा एक ही जगह पे आके खड़े होते हैं। सो ये कुछ मिसालें थीं कि US बहुत अच्छी इकोनॉमी के बावजूद अपनी इकोनॉमी के लिए क्या क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान इतनी बड़ी ऑयल पावर होते हुए अपने मुल्क के लिए कैसे सोच रहे हैं, कि जिस तरह EU एक इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक यूनिट है उस तरह का एक गल्फ में भी होना चाहिए, अरब्स का भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ जहन में रखते हुए जब आप ये देखते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि अगले 10 साल में मईशत कैसे चलानी है और इंतखाबात का एंड रिज़ल्ट, एंड गेम क्या होगी, और उसमें से एक पार्टी बिल्कुल माइनस है और एक नई पार्टी वजूद में आ गई है, और इसके अलावा आम आदमी के पास खाने को कुछ नहीं है, ये ईद का मौका तो बस इसमें आना ही होता है हर साल, लेकिन ये हर साल कितने लोगों के लिए कितनी परेशानियां लेके आता है और रोज़ाना ही लोगों के लिए कितनी परेशानियां हैं अपनी ज़िंदगी में, इसका किसी को एहसास नहीं है। तो हम जो बनना चाहते हैं, जो हम कहते हैं वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर एन इस्लामिक बॉम्ब, और पाकिस्तान को अल्लाह ने क्रिएट किया है वही इसकी हिफाजत करेगा, हमने अपने लिए क्या किया है, हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है,
और क्या इस मुल्क के लिए जो कुछ हो रहा है, क्या इससे आगे का कोई विजन मौजूद है कि बस यही दो ख़ानदान ये ना होते, कोई और होते। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन टू पर्टिकुलर फैमिलीज, लेकिन क्योंकि इस वक्त वही मौजूद हैं तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। लेकिन एक ग्रैंड डिबेट में आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या 24-25 करोड़ के मुल्क जो हैं वो इस तरह चलते हैं, और हम कहीं तक पहुँच नहीं पाते तो फिर हम अपनी गलतियाँ क्यों नहीं मानते, हम क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी रियलिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें हर रोज़ जो हर कदम पर एक प्रॉब्लम का सामना है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं, कि जो हालात हम कराची में सुनते थे कि लोगों से सड़कों पे मोबाइल छीन लिया जाता है, पर्स छीन लिया जाता है, इट इज़ हैपनिंग इन लाहौर एज़ वेल। लाहौर, पंजाब, जिसको बहुत सेफ समझा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्राइम का जो यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है उसको अनएम्प्लॉयमेंट से भी इक्वेट करें तो भी समझ में आता है, उसको क्लास स्ट्रगल में फिर जो डिफरेंट क्लासेस का आपस में क्लैश शुरू होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो जंग शुरू होती है कि एक के पास तो खाने को नहीं है और दूसरा आपको हर वक्त किसी लाविश होटल में बैठ के खाता पीता नज़र आता, और वहीं पे वो गार्ड भी खड़ा होता हो जो 8 घंटे की ड्यूटी करके या 12 घंटे की ड्यूटी करके सिर्फ 25,000 घर लेके जाता हो, तो फिर क्राइम्स तो बढ़ेंगे क्योंकि लोग फिर आपके मुंह से निवाला छीनना शुरू कर देंगे जब उनके बच्चे भूखे होंगे। सो दिस इज़ ऑल आई हैड टू से ऑन दिस ईद, बिकॉज ये सिम्बॉलिक दिन होते हैं, हम इनको टीवी पे बड़े रंगीन प्रोग्राम्स के साथ सजा तो लेते हैं, लेकिन रियलिटी रिमेंस रियलिटी। एंड मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था, अनलेस यू फेस द रियलिटी आप अपने आइडियल गोल की तरफ नहीं पहुंच सकते। एनीवेज, ईद मुबारक एवरीवन, सी यू आफ्टर अ फ्यू डेज़।